हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे थे हमारे ज्योग्राफी की सीरीज, फटाफट इस ज्योग्राफी में देखते हैं क्या कुछ हमारे पास बचा हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, और इसी सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था समथिंग रिलेटेड विद माउंटेन एंड रॉक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्लेटू के बारे में, पठार के बारे में देखेंगे क्या कुछ है। ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से लेक के फॉर्मेट में देखेंगे कि आखिर में लेक जो झीलें होती हैं क्या कुछ होती है हमारी झीलों के बारे में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जिसको आप लोग अपने UPSC प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोग देख रहे थे प्लेटू के बारे में, पठार के बारे में बेसिकली देख रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेटू के बारे में क्या चीज होती है। तो प्लेटू के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि माउंटेन और प्लेटू में डिफरेंस होता है बेसिकली हाइट का। यहाँ पर देखिए कई बुक्स में हाइट का डिफरेंस अलग अलग बताया गया है। जैसे कुछ किताबों में बताया गया है कि देखिए 300 मीटर से अगर ये ऊपर होता है तो उसको हम लोग माउंटेन बोल देते हैं, अगर 300 मीटर से कम होता है तो उसको हम लोग प्लेटू बोल दे रहे होते हैं। इस 300 मीटर का मतलब होता है 1000 फीट, या फिर यहाँ पर भी 1000 फीट हो जा रही होती है। तो बेसिकली दिस इज द हाइट थ्रू विच वी कैन डिफरेंशिएट अ माउंटेन विद अ प्लेटू। तो माउंटेन और पठार को आपस में डिवाइड करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए ये हाइट यूज कर ली जा रही होती है। फिलहाल के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा इसी को माना गया है, तो हम इसी को लेकर के आगे चल रहे होंगे फॉर आवर क्लासिफिकेशन। प्लेटू के बारे में अगर देखें तो देखिए प्लेटू एक तरीके का फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है। मतलब क्या चीज होती है, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो माउंटेन है वो बेसिकली एक हाइट अचीव किया है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ व्हाट, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का मतलब कुछ नहीं होता है, लैंड फॉर्म का मतलब हिंदी में देखिए इसको बोला जाता है भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है भू मतलब अर्थ और आकृति मतलब स्ट्रक्चर। तो अर्थ पे जो कुछ भी स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड फॉर्म। और लैंड फॉर्म का मतलब जैसे माउंटेन हो गई, या फिर प्लेन हो गया, या फिर वैली हो गई, या फिर प्लेटू हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, सबके सब भू आकृति है, सबके सब अर्थ स्ट्रक्चर है। इसी में हम लोगों ने माउंटेन देखा था जिसपे कुछ हाइट हो गई थी। अगर ये हाइट अपनी कम हो जाए, मतलब रिलेटिवली इसकी हाइट रिलेटिवली कम रहे, अब जरूरी नहीं है कि ये सरफेस फ्लैट ही हो, दिस सरफेस कैन बी लाइक दिस, टोपोग्राफी जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक हाइट जब कम रहेगी तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो एक प्लेटू है, एक पठार है। बेसिकली चार टाइप के मेजर लैंडफॉर्म होते हैं। एक होती है जो माउंटेन होती है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। फिर होती है हिल। हिल का मतलब कुछ नहीं होता है, माउंटेन और हिल में अंतर केवल यही है, हालांकि इसमें भी डिफरेंस होता है हाइट का, लेकिन इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जनरली जब आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो माउंटेन जिसकी पीक होती है, जिसकी एक चोटी होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं हिल। ठीक है, बाकी प्लेन हो जाती है, और चौथी हो जाती है हमारी क्या चीज, चौथी हमारी हो जाती है हमारी यही पठार या फिर प्लेटू। प्लेटू माउंटेन के तरीके से यंग हो सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि इनके भी बनने का जो फॉर्मेशन होता है, या कह लीजिए फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है, वो काइंड ऑफ सेम सी होती है। मतलब कि प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पर भी यूज हो रही होती है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेट टेक्टोनिक एंड हाउ द प्लेट टेक्टोनिक हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेटू। ओके, तो आगे बढ़े अगर तो देखिए वैलीज फॉर्म व्हेन रिवर कट थ्रू द प्लेटू। अब जैसे इसमें केस क्या है कि इसको मैं एक बार क्लियर करता हूं तो आपको क्लियर होगा। यहां पर जरा फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़िए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैली फॉर्म व्हेन रिवर वाटर कट्स थ्रू द प्लेटू। जैसे मान लीजिए कि सपोज दिस इज अ माउंटेन, ये मान लेते हैं माउंटेन है, और यहां पर एक माउंटेन है, और यहां पर मान लेते हैं कि कोई प्लेटू बनी हुई है। दिस इज सपोज अ प्लेटू। प्लेटू मतलब क्या, हाइट अचीव करके रखा होगा, दैट्स ऑल। यहां पर ये माउंटेन है, यहां पर ये माउंटेन है, इस तरीके से निकल रहा है। बीच से मान लीजिए कि रिवर निकल रही है, रिवर निकलेगी तो ऑब्वियसली इसकी क्या है, हाई वेलोसिटी होगी। हाई वेलोसिटी क्यों होगी, सीधी सी बात है माउंटेन से निकल रही है, वेलोसिटी हाई तो होनी ही होनी है, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। प्लस ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो यहां पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट होकर रखा हुआ है, तो वॉल्यूम अलॉन्ग विद द वेलोसिटी अब क्या होगी, हाई स्पीड हो रखी है। जब रिवर की हाई स्पीड होती है तो वो कटिंग ज्यादा करता है, और वो कटिंग जो होती है वो लैटरल इरोजन कम करता है, डाउन कटिंग ज्यादा करती है। इसके बारे में हम लोग अभी जब लैंडफॉर्म का चैप्टर देखेंगे तो वहां पर और क्लैरिटी आएगी कि क्या चीज है।
फिलहाल के लिए मान के चलिए कि डाउन कटिंग ज्यादा होती है, लैटरल इरोजन कम होता है। दोनों में अंतर क्या चीज है? दोनों में अंतर ये है, मान लेते हैं कि रिवर की कोर्स है, दिस इज द कोर्स ऑफ रिवर, ये मान लेते हैं रिवर है जो बह रही है। यहां पर ये जो साइड साइड से कटिंग कर रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इरोजन, इधर भी होगा इधर भी होगा दोनों ही साइड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक लैटरल इरोजन का केस है, साइड साइड की जो होती है। जब इधर को कटिंग हो रही होती है, कटिंग कैसे होगी? सीधी सी बात है, अपने अंदर में घोल लेगा, अपने अंदर एक सोल्यूशन बना लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डाउन कटिंग। दिस इज बेसिकली डाउन कटिंग। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट होता क्या है कि डाउन कटिंग में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। ये होती है रिवर और डाउन कटिंग इस तरीके से कर लेती है, क्योंकि चूंकि यहां पर वेलोसिटी, सेंटर पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है, तो डाउन कटिंग ज्यादा कर ली जा रही होती है। फिलहाल अभी खैर जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लीजिए, अभी वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको क्लैरिटी आती जाएगी क्या चीज है। यहां पर डाउन कटिंग ज्यादा होती है और इसी वजह से जो प्लेटू होते हैं वो वी शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, वी शेप स्ट्रक्चर। तो सेम वही चीज है, वैली फॉर्म, वैली अर्थात वी शेप बोल देते हैं इसको, फॉर्म व्हेन रिवर वाटर कट्स द थ्रू द प्लेटू। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोलंबिया प्लेटू हो गई जो कि कैस्केड और रॉकी के बीच में होती है, ये होती है नॉर्थ अमेरिका में। जैसे नॉर्थ अमेरिका का जब आप एटलस ओपन करिए सब लोग, जरा एटलस में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका, कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। यहां पर तीन रेंज है, तीन रेंज है, रेंज सी सी आर आपको दिखेगी, कोस्ट, दिस इज कोस्ट, फिर उसके बाद बीच में आपको कैस्केड दिखेगी, फिर आपको लास्ट में रॉकीज दिखेगी। तो हमारे पास इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिफरेंस, इस तरीके से माउंटेन मिल जा रही होती है। इस कोस्ट और कैस्केड के बीच में एक प्लेटू होती है और कैस्केड और रॉकीज के बीच में एक प्लेटू है। तो कोस्ट और कैस्केड और रॉकीज के बीच में जो प्लेटू है, इन दोनों के बीच से जो रिवर निकल रही होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर निकल रही होती है, जैसे कोलोराडो रिवर होगी और भी बहुत सारी रिवर्स है जो निकल रही होती है, इन रिवर के निकलने के कारण से ये वैली बना दे रही होती है, वी शेप वैली बना दे रही होती है। और यही बेसिकली क्या है कि आगे जाकर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बना रहे होते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेटू वी कैन सी हियर। ठीक है, तो ये चीज हालांकि और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब हम लोग लैंडफॉर्म का चैप्टर देखेंगे, हालांकि यहां पर पॉइंट आ गया है तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जैक्टली क्या चीज है। प्लेटूज जो होते हैं काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, हालांकि मिनरल्स आपके माउंटेन में भी होते हैं, माउंटेन में भी काफी मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है या तो ये फोल्डिंग के कारण से बन रहा होता है या फिर ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण से बन रहा होता है। वोल्केनिक एक्टिविटी हुई तो भी नीचे का जो मैग्मा मटेरियल है वो बाहर निकल के आया, और या फोल्डिंग भी हो रही है तो भी नीचे का मटेरियल जो है वो बाहर निकल के आया। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा हाइट अचीव किए रहता है, और हाइट अचीव करने के कारण हम इसकी कटिंग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो प्लेटू होता है ये ज्यादा हाइट नहीं होता है, ज्यादा हाइट नहीं होता है, इस कारण से हम लोग इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद हम लोग इसको मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो दे आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट, एज अ रिजल्ट मेनी माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं इंडिया का लेना चाहूंगा, छोटा नागपुर प्लेटू, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जा रहे होते हैं। इस इलाके में झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाती है, उड़ीसा आ जा रही होती है, और तीनों के तीनों स्टेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर हाइट के बेसिस पे बता दिया गया है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट अवर प्लेटू के डेफिनेशन के बारे में। आगे बढ़े हम लोग और जरा देखते हैं प्लेटू में और क्या चीजें होती है। तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, जैसे कि दे आर वेरी फेमस फॉर मिनरल, जैसे कटांगा प्लेटू जो होती है या फिर मैसिव प्लेटू हो गई जो फ्रांस में है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर आयरन के लिए। ये फ्रांस वाली जो होती है आयरन के लिए काफी ज्यादा फेमस होती है, और हालांकि जो होता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो रखा है इस मैसिव सेंट्रल को लेकर के, कि जो भी आयरन यहां से निकाला जाता है वो दोनों कंट्री शेयर कर रही होती है, और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही केस है। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर कि दोनों कंट्री यूज कर रही होती है यहां का आयरन। सिमिलरली डेक्कन प्लेटू में बात करें या कटांगा प्लेटू ऑफ कॉन्गो के बारे में बात करें, तो यहां पर कॉपर माइन से कॉपर बहुत ज्यादा निकाला जा रहा होता है कटांगा से। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले प्लेटू है जहां से डायमंड निकाला जाता है, ब्राजीलियन प्लेटू है। तो इस तरीके से अलग तरीके से हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लेटू मिल जा रहे होते हैं। जैसे अगर बात करें कनाडा में, तो कनाडा शील्ड होती है, कनाडा शील्ड से हमें बहुत ज्यादा कोल मिला हुआ है, तो कोल हो गया, आयरन हो गया,
आयरन जहां पर भी मिलता है वहां पर निकल भी मिलता है और साथ में सिल्वर भी मिल रहा होता है, दिस इज एजी सिल्वर ये भी मिल रहा होता है। तो देख सकते हैं हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी भी प्लेटू रीजन हो जा रही होती है वो। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गोल्ड और डायमंड के लिए, यहां पर आप लोग याद रखिएगा डायमंड की इलीगल माइनिंग होती थी और उस इलीगल माइनिंग के कारण से एक एग्रीमेंट, एक कह लीजिए प्रोसेस, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं किम्बरले प्रोसेस, किम्बरले प्रोसेस। एंड दिस इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट द या फिर टू बैन द इलीगल माइनिंग ऑफ डायमंड। तो इलीगल माइनिंग ऑफ डायमंड को रोकने के लिए ही बेसिकली किम्बरले प्लेटू है। इसके लिए देखिए एक मूवी भी बनी हुई है, क्लास में आप लोग को लगातार बोलते रहता हूं मूवी के लिए, और यहां पर जो मूवी बनी हुई है उसका नाम है ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड। काफी ज्यादा इस समय आप लोग को टाइम भी मिल रहा होगा बिकॉज लॉकडाउन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि गो एंड वॉच दिस मूवी, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी कुछ सीखने को बेसिकली यहां पर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद होती है हमारी इंडिया के बारे में, तो इंडिया भी काफी ज्यादा ह्यूज रिजर्व है, रिजर्वॉयर है ऑफ आयरन हो गया, कोल हो गई, मैंगनीज हो गई, सारा का सारा छोटा नागपुर प्लेटों में मिल रही होती है, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा। इसके अलावा जो होती है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें तो फिर क्लैरिटी आएगी यहां पर। तो देखिए यहां पर प्लेटू एरिया देयर आर सेवरल वाटरफॉल्स भी बन रहे होते हैं। वाटरफॉल क्यों बन रहे होते हैं, सीधी सी बात है माउंटेन के बीचों बीच से यहां पर अगर प्लेटू बनी हुई है और यहां से जब वाटर निकल रही है और वी शेप वैली बना रही है, तो वी शेप जब वैली बनाएगी तो सीधी सी बात है इलाका जैसे ही डाउनवर्ड नीचे आएगा तो ये इलाका जो होता है नीचे वाटरफॉल बनाते हुए आएगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली वाटरफॉल बना दे रहा होता है। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें मिल रहे होते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में सुबर्ण रेखा जो होती है ये वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है हुंदरू वाटरफॉल हो गई। सिमिलरली जॉग फॉल बना रही होती है नर्मदा रिवर कर्नाटका में। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंजल फॉल हो गया जो कि वेनेजुएला में बन रही होती है। तो ये सारे वाटरफॉल का हम लोग यूज कर लेते हैं हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए। वाटर ऊपर से गिर रही होती है, इसके अंदर में अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज कर ले रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। बाकी जो है आपको बता ही दिया गया कि कितना ज्यादा मिनरल वाइज इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है हमारी प्लेटू। अब हम लोग जरा मूव करते हैं और हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर में प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटू के बारे में अगर बात करेंगे तो बेसिकली देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, जैसे एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा सरफेस है अर्थ का सरफेस, तो अर्थ का जो सरफेस है या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट आपकी कितनी किलोमीटर की होती है बताइए, ये होती है अधिक से अधिक 70 किलोमीटर तक की होती है। इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे होता है हमारा एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर के नीचे क्या होता है, इस एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है अपर मेंटल। तो अपर मेंटल हो जाती है और अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी हो जाती है, ये टोटल मार करके अगर बात करेंगे तो ये हो जाती है 100 किलोमीटर। इसके नीचे हमें पता है कि इस तरीके से कन्वेक्शन करंट चल रही होती है जो कि एस्थेनोस्फीयर में भी माना गया है। तो इस तरीके से हमारे एस्थेनोस्फीयर चल रही होती है, यानी कि ये सरफेस जो है नीचे काफी ज्यादा हीटेड पोजिशन में है। और आपको पता है कि जैसे जैसे सरफेस आप बाहर की ओर निकलते आएंगे वैसे वैसे कूलिंग स्टार्ट हो जा रही होती है। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा क्या सरफेस क्या फंडा क्या है। यहां पर जैसे जैसे कूलिंग होगी तो ऑब्वियसली ये जो आउटर मोस्ट सरफेस का लेयर होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर अगेन किसी ना किसी नीचे के हीटेड सरफेस के अंतर्गत होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां का टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑब्वियसली बात है इसके डेप्थ में जब नीचे आएंगे तो इसका टेम्परेचर कुछ 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो होगा क्या, नीचे से ऊपर जब आप आ रहे हैं तो बेसिकली कूलिंग होती जा रही है। किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को या किसी भी मटेरियल को अगर आप कूल कर रहे होते हैं तो जनरली, जनरली मैं आगे लिख रहा हूं, जनरली एक्सपेंशन होता है इसका। तो ये एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा अगेन। मान लेते हैं कि हमारी कोई बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, बहुत हीट किया। तो जब मैं हीट करूंगा इस बॉल को तो बेसिकली इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने के कारण से होगा क्या कि जो बॉल का सरफेस ऐसा होता था वो बॉल अब इधर हो गई है। इधर होने का मतलब क्या है, इसका एरिया बढ़ गया है।
एरिया मतलब अगर मान लेते हैं पहले R1 था इसका रेडियस, अब ये R2 हो गया है, तो एरिया पाई R1 का स्क्वायर पहले हुआ करता था, जो नया हो गया है पाई R2 का स्क्वायर, ये हो गया नया सरफेस का एरिया। अकॉर्डिंग टू दिस एरिया अगर हम लोग इस सरफेस के बारे में अगर बात करें, तो जो नया सरफेस हो गया है वो 2πR2 बन गया है, जबकि पुराना वाला सरफेस जो है वो कितना है 2πR1 केवल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़ा है तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो ये सरफेस भी बड़ा हो जाएगा। सरफेस जब बड़ा हो जाएगा तो ये एक्सपेंशन हो चुकी है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अगर इसको आप कूल करेंगे, तो कूल करेंगे तो ये अपने वापस से जो पुरानी पोजीशन है उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन रीगेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सरफेस है, मतलब कि R2 - R1 जो ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गया है, ये एक्स्ट्रा सरफेस क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सरफेस इस पर पपड़ी की तरीके से इस तरीके से जम जाएगा। ये समझ में आ रहा है, पपड़ी के तरीके से जम जाएगा कैसे, तो ये जब पपड़ी के तरीके से जम जाएगा अगर यहां पर, तो सिमिलरली हमें यहां पर भी तो पपड़ी के जैसे जमना दिखना चाहिए। जैसे एक मिनट मैं स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूं, तो यहां पर भी हमें इस तरीके से, ये मान लेते हैं सरफेस है जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर जैसे जैसे नीचे की जो हीट है उसके कारण से बाहर आ करके कूलिंग हो रही होगी, तो नीचे से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होगी, उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण यहां पर इस तरीके से पपड़ी जम जा रही होगी। ये जो पपड़ी जम रही है बेसिकली ये क्या है, इसी को बोला गया थर्मल एक्सपेंशन, और इस थर्मल एक्सपेंशन के जरिए जो ये सरफेस ऊपर उठ करके आया हुआ है, इस सरफेस को ही बोला जाता है हमारा प्लेटो रीजियन। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिथोस्फियर मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड मेंटल लिथोस्फियर बाय द हॉट एस्थेनोस्फियर, इसी के थ्रू हमारा बन जा रहा होता है प्लेटू, और इस प्लेटू को हम लोग बोल देते हैं अब प्लेटू जनरेटेड बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लैरिटी आ गई थर्मल एक्सपेंशन से कैसे बनती है हमारी ये प्लेटू। आगे बढ़ते हैं, दूसरी होती है वोल्केनिक डिपोजिशन। वोल्केनिक डिपोजिशन में आपको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मान लेते हैं कि ये हमारा वोल्केनो है, ये हमारा कैलडेरा है, यहां से ज्वालामुखी जो होती है, जो हमारी वोल्केनिक है, वो इरप्शन हो रही है। तो ये हमारी इरप्शन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों ओर में इरप्शन हम लोग करा देते हैं। इरप्शन कराने के बाद जो मटेरियल है वो फ्लो कर जाता है नीचे की ओर में, तो इस तरीके से यहां पर मटेरियल फ्लो कर जाएगी। दिस मटेरियल कैन बी व्हाट, हमारे पास मटेरियल कौन कौन सी हो सकती है, बोवन रिएक्शन, अगेन बोवन रिएक्शन में जाइए, ये मटेरियल हो सकती है हमारी ग्रेनाइट, या फिर एंडेसाइट, या फिर हमारी हो सकती है क्या चीज, बसाल्ट। ठीक है, अब अगर ग्रेनाइट होगी तो कैसा बनेगा, ग्रेनाइट होगी तो ये कंपोजिट मटेरियल बन जाएगा, कंपोजिट यानी कि ये माउंटेन बन जाएगा, तो दिस इज बेसिकली कंपोजिट माउंटेन, क्योंकि यहां पर विस्कोसिटी इसकी नहीं थी। एंडेसाइट में जब आएंगे तो ये बेसिकली डूम शेप बन जाएगा, डूम शेप भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके का माउंटेन ही हो जाएगा। लेकिन बसाल्ट के बारे में बात करें, ये तो फ्लो कर जा रहा है, फ्लो कर जा रहा है तो माउंटेन तो नहीं बना पा रहा है, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है शीट वोल्केनो, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक प्लेटू या फिर पठार बना दे रहा है। तो अगर इसके सरफेस को देखेंगे हम लोग, तो सरफेस कुछ इस तरीके से यहां पर निकलेगा और ऐसे फ्लो कर जा रहा होगा। जब ये इस तरीके से फ्लो कर जाएगा तो बेसिकली ये जो सरफेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कम हाइट का देखने को मिलेगा, और इस तरीके के सरफेस से आप बोल सकते हैं कि बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर निकल के आया, जो भी लैंडफॉर्म निकल के आया, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक प्लेटू का लैंडफॉर्म है। तो दिस इज हाउ वोल्केनिक डिपोजिशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटू, जैसे डेकन ट्रैप हो गया, या बोलीविया प्लेटू हो गया, साउथ अमेरिका में चले जाइए, सिमिलरली बहुत सारे इस तरीके के प्लेटू हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होती है प्लेट टेक्टोनिक, इसको क्लियर करते हैं और जरा प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेट टेक्टोनिक एंड हाउ इट डेवलप अ प्लेटू। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी प्लेट है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए काम करते हैं, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेट ले लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेट है, दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, दिस इज कन्वर्जिंग। तो जब कन्वर्ज होती है तो क्या होता है, दोनों आपस में टक्कर मारेगी, टक्कर मारने के बाद अल्टीमेटली क्या होती है, यहां पर इस तरीके की फोल्डिंग जनरेट हो जा रही होती है, यहां पर भी और यहां पर भी इस तरीके से फोल्डिंग जनरेट हो जाएगी, तो दिस इज बेसिकली फोल्डिंग। लेकिन इन फोल्डिंग के बीच में एक ऐसा भी तो सरफेस आएगा जो डिप्रेशन टाइप का लिया होगा, चलिए ठीक है, डिप्रेशन तो छोड़िए, ये कह सकते हैं कि
अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये जो भी हाइट अचीव किया है, अगर ये हाइट मोर देन 300 मीटर होगा तभी ना हम इसको माउंटेन बोलेंगे, लेकिन अगर ये 300 से कम हो गया तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा प्लेटू। सीधी सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो हमारे पास होता है कुनलुन शियान, कुनलुन शियान देख लेते हैं, कुनलुन शियान ये आपको मिलेगा हिमालय की एक तरीके की चोटी है, हिमालय की एक कह लीजिए रेंज निकली हुई है जो कि पामीर नॉट से निकलती है। जैसे अगर मैं आपको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं तो दिस इज मान लेते हैं कि पामीर नॉट, ये है हमारी पामीर नॉट जो कि बेसिकली अफगानिस्तान में पाई जा रही होती है। इससे एक रेंज निकली हुई है जो है कुनलुन शियान, दिस इज बेसिकली कुनलुन शियान। दूसरी एक रेंज निकली हुई है जो हिमालय है। अब इस हिमालय में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एक हो जाती है जो बाहर वाली काराकोरम हो जाती है, दूसरी हो जाती है जो मिडिल हिमालय हो जाती है, और तीसरी हो जाती है जो शिवालिक वाला पार्ट हो जाता है। तो ये हमारा डिफरेंट हो जाता है। तीसरी जो रेंज निकली हुई है वो हिंदू कुश है जो कि पाकिस्तान में चली जा रही होती है। तो हमारे पास बेसिकली ये तीन रेंज है। इन तीनों रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक प्लेटू बनती है जिसको बोला जाता है कि ये एक तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेटू बन जा रही होती है। तो यहां पर हुआ क्या है, एक फोल्ड माउंटेन जनरेट हुआ है, दूसरा फोल्ड माउंटेन जनरेट हुआ है। ये वाला जो फोल्ड माउंटेन जनरेट हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ये यूरेशियन प्लेट है जिसके कारण से यहां पर कुनलुन शियान जनरेट हुआ है। हिमालयन क्यों जनरेट हुई है, क्योंकि यहां पर इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का एक इंडिया वाला जो पार्ट है वो गया हुआ है, तो ये जनरेट हो गई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में जब भी होगा तो इस तरीके से दो माउंटेन बनेंगे, माउंटेन के बीच में हो सकता है छोटा सा एक और सरफेस बन जाए जिसका नाम रहेगा क्या, तिब्बतन प्लेटू। तो इस तरीके से तिब्बत का पठार तिब्बतन प्लेटू बन जा रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, एंड दिस इज हाउ अ प्लेटू डेवलप ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर प्लेट टेक्टोनिक। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जरा देखते हैं कि आखिर में जो प्लेटू है वो कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेटू। तो यहां पर कई तरीके के प्लेटू होते हैं, जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेक्टेड प्लेटू। जो डाइजेक्टेड प्लेटू होता है बेसिकली वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से ही बन रहा होता है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डाइजेक्टेड प्लेटू। जैसे कोलोराडो, तो जो कोलोराडो प्लेटू है वो CCR जो माउंटेन रेंज है USA की, इसमें कैस्केड और रॉकीज के बीच से निकलती है हमारी कोलोराडो प्लेटू। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो दो माउंटेन के बीच में एक प्लेटू बननी ही बननी है, और इसी प्लेटू को हम लोग बोल दे रहे हैं कि वो डाइजेक्टेड प्लेटू है या फिर कोलोराडो प्लेटू हो जा रही होती है। दूसरी है वोल्केनिक। वोल्केनिक सीधी सी बात है, वोल्केनो के कारण से बन रही होगी। वोल्केनो के कारण से जैसे देखिए कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू है तो सीधी सी बात है यहां पर कोई वोल्केनो भी होना चाहिए। यहां पर जो वोल्केनो होता है वो अलग अलग तरीके से जाना जाता है, जैसे सोलोमन हो गया, मोहावी, हालांकि वो डेजर्ट है, तो डोजेरो वगैरह कई सारे माउंटेन यहां पर वोल्केनिक माउंटेन इस तरीके से मिल जा रहे होते हैं। फिर होती है हमारी जो माउंट एकांकागुआ के कारण से बन रही होती है बोलीविया प्लेटू, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमांजारो, इनके कारण से बन रही होती है। सिमिलरली इंडिया में बन रही होती है डेक्कन ट्रैप। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली हो जाती है हमारी वोल्केनिक प्लेटू, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण से जो जनरेट हो रही होती है। दूसरी होती है इंटरमोंट प्लेटू। देखिए इंटरमोंट प्लेटू और डाइजेक्टेड में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होती है, डाइजेक्टेड में बस ये हो जाता है कि यहां पर केवल और केवल प्लेटू ही बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, यहां पर कोई माउंटेन वगैरह नहीं बन रहा होता है। लेकिन इंटरमोंट में क्या होता है कि दो माउंटेन के बीच में एक प्लेटू बन जा रहा होता है। दिस प्लेटू इज नॉट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी ओनली, दिस कैन बी वन रीजन, मतलब एक रीजन यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण से बना है, लेकिन एक और यहां पर रीजन होता है और वो होता है इरोजन एंड डिपोजिशन। अब ये इरोजन एंड डिपोजिशन का केस क्या है, इरोजन एंड डिपोजिशन का केस ये है कि ये जो माउंटेन है वो लगातार विंड हो गया, रिवर हो गया या फिर ग्लेशियर हो गया, इनके संपर्क में आ रहे होते हैं। सिमिलरली ये वाला माउंटेन भी विंड, रिवर, ग्लेशियर के ही संपर्क में आ रहा होता है। ये जो विंड, रिवर, ग्लेशियर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, और ये एक्सटर्नल एजेंट अपना फोर्स लगा रहे होते हैं, जैसे मैकेनिकल फोर्स हो गया या केमिकल फोर्स हो गया, तो ये फोर्स लगा रहे होते हैं और अल्टीमेटली इस जो सरफेस होती है इसके सरफेस को तोड़ देते हैं। तोड़ने के कारण ये डिपोजिशन, ये जो सेडिमेंट्स है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इधर से भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये इकट्ठा होते 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 एक सरफेस, एक हाइट अचीव कर लेता है, और इस हाइट को ही जो दोनों माउंटेन के पैरों पे इकट्ठा है
इन माउंटेन के बीच में जो प्लेटू बन जा रही होती है, जो पठार बन जा रहा होता है, या जो हाइट अचीव किया हुआ लैंडफॉर्म बन जाता है, इसी लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये एक इंटरमाउंट प्लेटू है। क्लियर हो गया क्या चीज है? जैसे तिब्बतन प्लेटू हो गया एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोनों एग्जाम्पल, दोनों तरीके आप लोग याद रखिएगा, एक होती है प्लेट टेक्टोनिक और दूसरी होती है इरोजन और डिपोजिशन के कारण से। एक और होती है हमारी प्लेटू जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू। कॉन्टिनेंटल प्लेटू का मतलब ये होता है कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर या कह लीजिए एक हाइट अचीव किया हुआ लैंडफॉर्म बना हुआ है, लेकिन ये जो हाइट वाला लैंडफॉर्म है, इस लैंडफॉर्म की बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है, नॉर्मल हाइट है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये माउंटेन या फिर हिल वाला हाइट अचीव नहीं किया है। और इसके चारों ओर जहां पर भी सरफेस आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका नॉर्मल प्लेन सरफेस है। तो ये जो नॉर्मल प्लेन सरफेस होती है किस तरीके से बन सकता है? ये बन सकता है थर्मल एक्सपेंशन के जरिए। थर्मल एक्सपेंशन के जरिए आखिर में यही ना होगा? तो इस तरीके से जो बन रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू, जहां पर बीच में एक प्लेटू रहेगा, उसके चारों ओर जो होता है केवल और केवल प्लेन सरफेस होगी, यहां पर कोई माउंटेन रेंज वगैरह नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं तो एंटार्क्टिका प्लेटू हो जा रही होती है जो कि यहां पर बन रही होती है। एंटार्क्टिका में हालांकि माउंटेन रेंजेस भी हैं, जैसे माउंट एल्बर्ज वगैरह हो गया, यहाँ पर पाई जा रही होती है, बट यहाँ पर इस तरीके की जो प्लेटू होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिका प्लेटू। क्लियर हो गया? एक और लास्ट हमारी प्लेटू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट प्लेटू का मतलब ये होता है, जैसे कि यहां पर देखिए एक तरफ दो माउंटेन के बीच में एक हम लोगों ने प्लेटू देख लिया, लेकिन केवल और केवल माउंटेन के तलहटी पे, माउंटेन के फुट हिल्स पे जब कोई एक हाइट अचीव किया वो सरफेस आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। मतलब इस वाले माउंटेन को आप क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा इंटर माउंटेन, लेकिन इधर वाले को बोलेंगे कि आप पीडमोंट। पीड का मतलब होता है पैर और माउंटेन का मतलब होता है माउंटेन। तो माउंटेन के पैरों तले, माउंटेन के जो फुटहिल्स है वहां पर जब कोई प्लेटू पाई जा रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं ईस्टर्न यूएसए, अगेन ये डिपोजिशन के कारण से ही बन रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली पांचों टाइप के जो प्लेटूज हैं उनको ध्यान में रखिएगा, क्या चीज है, कैसे हो रहे हैं और एग्जाम्पल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जो हमें ध्यान में रखना था। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन प्लेटू के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा देखिए इस पर क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए मैंने भी इंक्लूड नहीं किया है। बेसिकली ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके, कि कंप्लीशन रहे, कहीं पर भी कोई चीज छूटे रहे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन पूरी। इसके अलावा अभी एक और लेक की वीडियो आ जाएगी, आपको छोटी सी वीडियो है 10-15 मिनट की रहेगी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट देख लीजिएगा उसको भी लगे हाथों। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर के अपने डाउट को रेज करिए, वहीं पर हमारे अब डिस्कशंस होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।